हेलो स्टूडेंट, तो ये बेसिकली टू फिगर्स हैं। तो मैंने पहला पहला फिगर चूज़ किया है। इसमें हमने एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेनी है। वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखनी है इसमें। तो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेनी है तो सिंपल सा मेथड होता है। देखो, पहले तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो होता है, आप ऐसे लिख लीजिए एक्स इक्वल टू कितना ए, क्योंकि एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो कॉस आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है सर, इसमें फाइव क्या इनिशियल फेज है, तो फाइव हमारा इनिशियल फेज हो गया। उसके बाद सर हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एम्पलीट्यूड जो इसका रेडियस होगा वो हो जाएगा, जो भी गिवन होगा वो आप रेडियस ले सकते हैं। तो सपोज मैंने इसमें रेडियस आर ले लिया, तो रेडियस आर हो गया कॉस। इसकी जो रोटेशन है वो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है सर, एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज फिजिक्स में पॉजिटिव रहती है, तो इसके यहाँ पर पहले प्लस डाल सकते हैं। ठीक है सर, ओमेगा टी इनिशियल फेज कितना है सर, 45 डिग्री है, तो वो पाई बाय 4 डाल सकते हैं आप। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, प्लस आर के साथ एक्स इज इक्वल टू हमारा प्लस आर आ गया। तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, इसमें प्लस क्यों लगा, ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन थी। इनिशियल फेज हमारा दिया हुआ है इसमें 45 डिग्री, तो हमने ओमेगा टी टाइम लगा के आर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 डाल दिया। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, 2π/t लगा लेंगे ओमेगा की जगह। 2π/T इज 4 सेकेंड फिगर में गिवन है, ये 4 सेकेंड टाइम पीरियड इंटू टी प्लस पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, वैसे तो ये ईजी है। दूसरा मेथड होता है इसका सर, वो कैसे होता है, आपने क्या करना है, डायग्राम दोबारा से थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करना है। तो आपने मान लिया जो ग्रीन लाइन है ये टी इक्वल टू 0 पर पॉइंट पी था, और मैं इससे आगे आ गया, तो मैंने ये यहाँ इतना एंगल ट्रेवल कर लिया। ये एंगल मेरा जो टी टाइम में ट्रेवल होगा उसको हम लिखेंगे ओमेगा टी। चलो सर ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ तो टोटल ये जो अब कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ मैं, तो ये जो हमारा एंगल है अब ये 45 डिग्री प्लस ओमेगा टी हो गया, यानी हो गया ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो आप इसका एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट लेंगे ऐसे यूँ करके यूँ, तो ये आर है, तो ये आर कॉस सीटा हो जाएगा, तो आर कॉस सीटा इज ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4, यानी हमारा पिछला ही रिजल्ट आ गया। हमने आफ्टर टाइम सम टाइम देखा, तो ये सेकंड मेथड है। तो इसमें आपको डायग्राम चेंज करना पड़ता है, ये पहले मेथड में अगर आप एंटी क्लॉक क्लॉक लेकर चलते हैं तो ये क्वेश्चन सीधा हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन दूसरा जो है एनसीईआरटी में वो भी देखते हैं। अच्छा बेटा ये देख लो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है बॉडी, तो मैं इसको यूँ स्केच कर देता हूँ। तो इसकी जो रोटेशन है ये क्लॉक वाइज है, तो ये सेंस दी हुई है इसकी। तो सबसे पहले आपने वही जनरल फार्मूला एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, आर मैंने रेडियस ले लिया, कॉस इसमें ओमेगा को हमने माइनस तो लिया क्योंकि इसकी रोटेशन क्या थी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ -2π/30 इंटू टी ले लिया। टी की वैल्यू जो ओमेगा की वैल्यू मैंने 2π/t डाल दिया इसमें, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये टी की वैल्यू दी है तो मैंने ओमेगा की वैल्यू 2π/30 इधर 2π/30 डाल दी है, प्लस पाई बाय 2 क्योंकि इसका जो इनिशियल फेस है वो कितना डिग्री है, पाई बाय 2 है। चलो सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पाई बाय 2 को मैं आगे ले आया, ये -15π/15t इधर ले गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। वी कैन री राइट लाइक दिस वन, इसको चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए एक ही बात है, क्योंकि जब हमने फेस चेक करना होता है ना तो टी वाली जो टर्म है वो पहले लिख कर आते हैं, तो हम इसको साइन की जगह कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कॉस, तो ये पाई बाय 15t पहले आ जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा एक ही बात होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्या सर इसका सेकंड मेथड करना चाहिए, देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या किया, देखो मैंने ये ओमेगा टी इधर चला दिया, तो ये टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टी तक ओमेगा टी आ गया, तो ये टोटल एंगल पाई बाय 2 था, तो ये एंगल कितना बच गया, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब ये रेडियस आ रहा है, इसकी प्रोजेक्शन लेनी है आपने, इस ये वाला डिस्टेंस लेना, तो कॉस थीटा आएगा, ये था आर, तो ये हो गया आर कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो एक ही जगह आप मैंने एड लिख लिया, यहाँ पर आर कर दीजिए इसको क्योंकि हमारा रेडियस आर है, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, देखो ये बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका जो रिजल्ट था लास्ट में वो भी यही था, तो ये एक ही स्टेप में आ जाएगा, तो बस आपने वैल्यू चेंज करनी है। ये देखिए इससे मैच कर गया, ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे ना 2π/t, तो टाइम पीरियड आपका कितना है 30 सेकेंड है सर, तो ये कितना आ जाएगा, 5/15 आ गया, तो वो सेम मैच कर गया इससे एज इट इज़। चलो ओके स्टूडेंट्स।